नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि भैया शर्मा। केंद्र सरकार ने देश का नाम इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत कर दी है। इसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से इतना डर गई है कि अब देश का ही नाम बदल देना चाहती है, जबकि संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत। भारत के कई सारे नाम रहे हैं। मुगलों के काल में इसे हिंदुस्तान कहा जाता था, अंग्रेज इसे इंडिया बुलाते थे, अंग्रेजों के शासन में इसका नाम ब्रिटिश इंडिया था। आज़ादी के बाद संविधान सभा में देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई थी। 18 सितंबर 1949 को हुई बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य H.V. कामत ने की। उन्होंने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसका विरोध भी हुआ। हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो इसके पक्ष में 38 और विरोध में 51 वोट पड़े। प्रस्ताव गिर गया और अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया डेट इज भारत बना रहा। लेकिन अब अगर संविधान में संशोधन की बात उठ रही है तो बुरा क्या है? जब इंडिया और भारत एक ही है तो विवाद कैसा और क्यों? पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए। देश के नाम पर घमासान, इंडिया भारत का संग्राम, क्या मोदी सरकार की इंडिया की राजनीति भारत से बदलने की रणनीति? क्यों है इंडिया को भारत शब्द से ऐतराज? देश की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। भारत इस एक शब्द ने पूरी राजनीति में ही हलचल मचा दी है। विपक्ष को लग रहा है कि उनका अलायंस इंडिया होने की वजह से मोदी सरकार डर गई है और अब भारत का प्रस्ताव लाने जा रही है। दरअसल ये पूरा विवाद G20 समिट के लिए वर्ल्ड लीडर्स को भेजे गए उस निमंत्रण पत्र से शुरू हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस निमंत्रण पत्र को देखकर कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से इतना डर गई कि अब देश का ही नाम बदल देना चाहती है, जबकि संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया या भारत मुद्दे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाला पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें पीएम मोदी के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर भी भाजपा पर तंज कसा। संबित पात्रा की ओर से पोस्ट किए गए पत्र में अंग्रेजी में जानकारी दी गई है, जिसका हिंदी में अर्थ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया गणराज्य की यात्रा 7 सितंबर 2023 को होगी, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत शब्द का प्रयोग एक परंपरा को तोड़ने का प्रयास है? बहरहाल संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। UCC, फिर एक देश एक चुनाव और अब इंडिया बनाम भारत पर संग्राम। संसद के 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र के दौरान सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। 5 दिनों का ये विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो क्या सच में मोदी सरकार इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल कर परंपरा को बदलने की कोशिश कर रही है? अगर कर भी रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? विपक्ष को इसमें परेशानी क्या है? मोदी सरकार के सामने संविधान में संशोधन के लिए क्या चुनौतियां हैं? इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपांकर कलिता, नेहू के प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास भी हमसे जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर सत्यरंजन बोरा भी हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले मैं अपने पूरे पैनलिस्ट का। रमन झा जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता है आप, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि विरोध क्यों हो रहा है भारत शब्द का, जब भारत इंडिया सब एक है, देश हमारा एक है, विरोध क्यों इतना बड़ा? ये देखिए, भारत शब्द का विरोध हो ही नहीं सकता। हमने कहीं भी भारत शब्द का विरोध नहीं किया है। भारत हमारा देश है, हम भारत माता की जय करते हैं, भारत भूमि हमारी माँ है, इसलिए भारत शब्द का विरोध नहीं। तो फिर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया जाता तो ऐतराज क्यों? जो एक प्रचलन था कि हमारे संविधान का अनुच्छेद यही करता है, इंडिया मतलब भारत, यही है। और आज तक जो प्रचलन है उस प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, पैसा में भी दो जगह था, सब जगह कई नाम है,
इसरो में नाम है, AIM है, IIT है, एम्स है, हर जगह इंडिया का नाम है। तो जब भी हम आधुनिक भारत की बात करते हैं और विकसित भारत की बात करते हैं तो हम वहाँ इंडिया नाम लेके आते हैं, लेकिन जब भी हम भारत के गौरव की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं और समर्पण की बात करते हैं तो हम भारत माता की बात करते हैं। तो उसमें हमें कहीं भारत शब्द कहीं अंतर नहीं है। ये तो हिंदी और इंग्लिश दो नाम है। आज भारत का सरकार कह रही है कि हम भारत प्रचलन में ला रहे हैं। कब ला रहा है? जब विरोधी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, जब उनके अलायंस का नाम इंडिया पड़ा, तो इन्हें क्यों डर लगने लगा मुझे मालूम नहीं है। अरे आप इंडिया कह लीजिए, भारत कर लीजिए, इंडिया इंडिया ही रहेगा, भारत भारत ही है, इसको कौन बदल सकता है। तो इस देश में हमें तो गर्व होना चाहिए कि आज, इससे पहले आप कह रहे हैं कि आज इनको याद आया, आज से पहले ये इंडिया गठबंधन के नाम से पहले कहीं भी अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ कोई भी चिट्ठी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहीं भी अगर चिट्ठी, कोई भी एक चिट्ठी अगर इन्होंने इशू किया हो, तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार पिछले 9.5 साल से इन्होंने चेष्टा की। इससे पहले भी वाजपेयी जी की सरकार था, उससे पहले भी विरोधी दलों की सरकार रही है, विपक्षों की सरकार रही है, कहीं भी उन्होंने ऐसा प्रचलन नहीं किया। लेकिन जब ये इंडिया शब्द आया तो इन्हें डर क्यों लग रहा है मुझे मालूम नहीं। तो क्या होता है कि अपने आप विरोध या डर, ये हमारा विरोध नहीं है, ये सरकार का डर है, सरकार इंडिया सबसे डर गई है। तो ये जब सत्ता को डर लगने लगता है तो वह नाम बदलने का प्रयास करता है। और भारत के नाम मैंने पहले ही कहा, हम जब कुछ भी संकल्प करते हैं, जब कोई पूजा पाठ हो या संकल्प लेते हैं तो हम कहते हैं ना, हम तो वहाँ पर संकल्प करते हैं कि जम्बू द्वीपे आरा वर्ते भारत भर से, हम ये संकल्प के साथ कोई पूजा पाठ करते हैं, अपना संकल्प करते हैं और संकल्प करवाते हैं, जब पंडित जी को संकल्प देते हैं तब भी। तो भारत से हमें क्या विरोध हो सकता है? भारत हमारा हमारी माँ है, माँ से कोई विरोध हो सकता है क्या? इंडिया हमारा विकासशील शब्द है। आज मोदी जी नहीं, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सब चीज मोदी जी को भी इंडिया नाम से, वोट फॉर इंडिया भी उन्होंने नारा लगाया था, तो जब मोदी जी को भी इंडिया नाम से नफरत नहीं था, ये अचानक ये डर उनके मन में क्यों आ गया कि इंडिया को नाम जो है वो प्रचलन को ही बदलना चाहते हैं। तो ये जो प्रचलन है इंडिया के नाम से, इंडिया विरोधी गठबंधन के नाम से, इनके मन में जो डर है और डर के कारण जो प्रचलन को बदल रहे हैं, उस प्रचलन का हम विरोध कर रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी, आपका रुख करूंगी, जिस तरह से बता रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे रमन झा जी कि इंडिया गठबंधन से डर गई है भाजपा, अब जिस तरह से एक स्पेशल सेशन की घोषणा कर दी गई मोदी जी की ओर से, उसके बाद एक पूरा बवाल, कई कयास लगाए गए, UCC आएगा, एक देश एक चुनाव आएगा, और अब बात हो रही है भारत का प्रस्ताव, इंडिया को हटा दिया जाएगा, भारत का प्रस्ताव रखा जाएगा, कितना सच्चाई है और क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की जो का किसी भी राष्ट्र का जो गौरवशाली इतिहास है और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो सभ्यता और संस्कृति है, उसको हम इग्नोर करके उस राष्ट्र को हम महान नहीं बना सकते। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो हमें हमारे जो गौरवशाली जो अतीत है उसकी याद दिलाती है। और भारत जो नाम है ये कोई आज का नाम नहीं है, महाभारत काल में ही से ही इस नाम का प्रचलन है। और जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे उनका नाम भरत था और उनके भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये 5000 वर्ष से पुरानी सभ्यता और संस्कृति के समय से ही भारत शब्द जो है हमारे के साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इसको बदली क्यों किया गया। अब बदली तो बहुत सी चीज़ें में बदलाव आए हैं। जैसे पहले इंडिया गेट था, इंडिया गेट में पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, अब इंडिया गेट में वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, ये भी एक बदलाव है, ये बदलाव पहले नहीं आया। हमारा जो राजपथ था उस राजपथ को आज कर्तव्य पथ बोलते हैं, ये भी एक बदलाव है। हमारी जो इंडिया का नेवी का जो ध्वज था उस ध्वज में लाल रंग का सेंट जॉर्ज का क्रॉस था, उसको हटा करके अब छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहूर्त से प्रेरित चिन्ह वहाँ लगाया गया है, ये भी एक बदलाव है। गणतंत्र दिवस के बाद में जो बीटिंग रिट्रीट जो समारोह होता है उसमें जो धुन बजाई जाती है वो अबाइड विथ मी की धुन बजाई जाती थी जो एक विदेशी धुन थी, आज उसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जा रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं इन्हीं प्रसंगों का उदाहरण देते हुए मैंने और 2-3 जो उदाहरण दिए वो ये बताते हुए कि जो चीज़ हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे इतिहास
के साथ जुड़ी हुई है उस चीज को हम महत्व देंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, ये तो कोई गुलाम भारत नहीं है ना। तो गुलाम स्वतंत्र भारत ने हम अवॉइड की धुन हम क्यों गाएंगे, जॉर्ज पंचम की हम मूर्ति क्यों वहाँ लगाएंगे, हम सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हमने लगाई है। तो ये सारी बातें हैं। अब रही बात कि इंडिया नाम से विरोध नहीं है, यहाँ अभी शायद रमन जी को पता होगा, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, अभी 1 तारीख को यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक जो है वो मोहन भागवत जी आए थे, तो वो एक समारोह में आए थे जहाँ प्रमुख सागर जी महाराज जो है वो रुके हुए हैं यहाँ प्रवास पे, तो उनको उनसे उनकी मुलाकात थी। तो प्रमुख सागर जी महाराज ने कहा कि इंडिया की जगह अगर इसका नाम भारत हो तो एक हमें एक अतीत के प्रति एक गौरव हम फील करते हैं, तो इसके इनका नाम भारत होना चाहिए। तो ये बात जो है इस देश के साधु संतों के द्वारा, इस देश के जो नागरिकों के द्वारा ये बात उत्थापन की गई है, और इस बात को महसूस करते हुए सरकार ने नामकरण इसका भारत किया है। अब अगर किसी को भारत शब्द से अगर आपत्ति है तो अब मुझे कुछ नहीं कहना, किस लिए कि बहुतों को सनातन शब्द से भी आपत्ति है। अब ये जो स्टालिन के जो पुत्र है उन्होंने तो सनातन की तुलना डेंगू मच्छर और कोरोना से कर दी, और बोले इसको सनातन को जिसे डेंगू मच्छर और कोरोना को खत्म किया है वैसे सनातन को भी खत्म करना चाहिए। और राहुल जी इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के पत्र जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन किसी को किसी सनातन धर्म को खत्म करने की बात आप क्यों कर रहे हैं? हम तो अगर कोई आज ये बात अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को खत्म करने की बात करेगा तब भी क्या आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहेंगे? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये सनातन धर्म का अपमान है, और कांग्रेस हमेशा सनातन का भारत की सभ्यता और संस्कृति का अपमान कर रही है, तो ये बात देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जी दीपांकर कलिता जी, नहीं देखिए हम देशवासी तो इस देश को भारत के नाम से ही जानते हैं, लेकिन दुनिया वाले इस देश को इंडिया के नाम से जानते हैं। और आपने जैसे कहा कि बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अभी पिछले 2 दिनों में इंडिया नाम पे जो अभी अफवाहें और फैलाई गई है इंडिया नाम पे, मैं इंडिया नाम पे बोल लूँ कि इंडिया नाम जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी गई नाम है, तो इंडिया जो नाम आया ईसा पूर्व 300 में मेगास्थेनिस आए थे चंद्रगुप्त की राजसभा में, वो ग्रीस के बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के ऊपर इतिहास का ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था इंडिका। मतलब उसी समय लोग विदेशी लोग इस देश को इंडिया के नाम से जानते थे। और इंडिया नाम ऐसे आया जो हमारी सिंधु सभ्यता है जो 7000 साल पुरानी है उसको विदेशी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसको इंडिया कहा जाता था जो 7000 साल पूर्व की बात है। अभी हमारे प्रमोद स्वामी जी ने कहा कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके बेटे का नाम भरत था, हम लोग मानते हैं कि हमारे जो शकुंतला थी और महाराज दुष्यंत थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विद्या भारती है वहाँ का लोगों में भी सिंह का दांत को गिने हुए जो भरत महाराज है उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत हुआ ये बताया जाता है। अभी उन्होंने तीर्थंकर की बात कही, लेकिन भारत का भी अगर हम बात करें या तीर्थंकर भारत की भी उनके बेटे की भी बात करें, इनका इतिहास जो है 5700 साल, जब ये जो महाराज भरत है शकुंतला के पुत्र वो कौरव पांडव के पूर्वज थे, तो उनका जो राजकाल था उनका जो पैदाइश था वो 5700 साल पहले की थी, जबकि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वो 7000 साल पुरानी थी। अभी इनको दिक्कत क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये द्रविड़ों की सभ्यता है, तो इनको इस बात से परहेज है कि इस देश का नाम द्रविड़ों की सभ्यता से परे, इस बात से इनको परहेज है। और जहाँ तक ये सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, हर तरफ आप देखिए इनको इस बात से भी जलन है कि इस देश का संविधान एक दलित ने, बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा, तो ये इनकी अब मंशा है कि बाबा साहब के लिखी संविधान को हर चीज को इनको बदलना है, हर चीज को बदलना है। ये किसी भी प्रकार से बाबा साहब की लिखी संविधान को ये मानना नहीं चाहते। इनकी तकलीफ ये है कि देश में कोई भी बड़ा चीज इनके लोगों द्वारा लिखित नहीं है। बाबा साहब जो इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों की हक की बात, हक और हुकूम की बात करते थे,
उनकी लिखी हुई संविधान को ये नहीं पसंद करते, इनको इसको बदलना है, लेकिन ये संभव नहीं है। अनुच्छेद एक को अगर बदलना है, दो तिहाई बहुमत राज्यसभा में होनी चाहिए, जो 158 का आंकड़ा आता है, 158 का आंकड़ा आता है, वो किसी भी कीमत पे। जी, इस बात पर भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं संक्षेप में बोल दूं, इनको ये नहीं करना है, इनको भी मालूम है ये होने वाला नहीं है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाना है। और जो असल मुद्दे है देश के सामने, कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले 9 साल की शासनकाल में, और काला धान क्यों वापस नहीं आया, ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी ये सब मुद्दे, एक देश एक चुनाव, देश का नाम बदलना, इतना आसान चीज है ये सब। और जब चुनाव के लिए 6 महीना अभी बाकी नहीं है, उस समय इन चीजों को लाके देश के लोगों के सही मुद्दों से बहस होगी इस बात पर भी। दीपाकर जी, बहस होगी इस बात पर भी। सत्य रंजन बोरा का मैं रुख करूंगी, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर रहे हैं, तो जिस तरह से विवाद अब शुरू हो ही चुका है, तो ऐसे में जो भारत का जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू है, वो भी समझना जरूरी हो गया है। क्या यह कहना सही है कि जो भारत वो देशी नाम है और जो इंडिया है वो बाहर से आया हुआ है? नहीं, देखिए, आपने जैसे कहा है, मेरा परिचय आपने किया है कि आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर के हिसाब से, तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता यहाँ पे है, भाई साहब ने अभी थोड़ा देर पहले कहा है कि हम जब पूजा करते हैं तो भारत का नाम लेते हैं, तो जम्बूद्वीप का नाम लेते हैं, तो मेरा तो मुँह की बात भाई साहब ने बोल ही दिया। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल बातें हो रहा है उस पर मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि पॉलिटिकल अलग 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 पार्टियाँ आज यहाँ पर बैठी हुई है, ये लोग बातें करेंगे उस विषय पर। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारत क्यों होना चाहिए, और संविधान, देखिए संविधान तो हम सेंस कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक देश, जैसे हम यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हमें दिख रहा है, हम इसको सही करने के लिए बहुमत के हिसाब से हमें जो करना है वो हमें करना चाहिए। एक परिवार है, ये देश नहीं है, ये सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है कि भारत, ये ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है, ये इटली जैसा नहीं है, ये कनाडा जैसा नहीं है, ये भारत है, ये हमें समझना चाहिए। जैसे अटल जी ने पहले कह के गया है कि ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे कंकर कंकर में शंकर रहता है, ये हमें मानना है, ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो यह हमें सही करना है, ये हम कर सकते हैं, इसीलिए तो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये पार्लियामेंट्री जो बातें हैं वहाँ पे होता रहेगा। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि धार्मिक के हिसाब से, आध्यात्मिक भावना के हिसाब से, जब मैं भारत कहता हूँ, ये भारत के साथ मेरा पूर्वज, भारत के साथ मेरा गौरव, भारत के साथ मेरा समर्पण जो आता है भारत के साथ, वो इंडिया के साथ कहीं ना कहीं उतना नहीं आता है जितना भारत के साथ आता है। मैं तो यही कहूँगा, अभी कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है, जो भी है बीजेपी से, आप भी कहोगे कि जब भारत कोई बुलाता है तो मैं भारतवर्ष का हूँ, तो आपका कहीं सचमुच स्पॉन्टेनियस आपका जो रेस्पॉन्स है वो अपने आप ही सर झुक जाता है कि ये धरती को एक बार सूंघ लूँ तब जाके मुझे कहीं पे सैन मिलेगा। लेकिन जब इंडिया कहूँगा तो ऐसा लगेगा सूट बूट लगा के मैं कहीं पे जाके हैंडशेक करूँ, तो ये फील आएगा। जो है, जो मैं ये बोलूँ कि समर्पण कहाँ पे है, हमें क्या दिखना, भारत का परिचय क्या है, भारत का परिचय है, भारत का जो स्वकीयता है वही है कि इसका सभ्यता संस्कृति है, इसका संस्कृति क्या है, हम किसी के सामने भी झुक सकते हैं, और झुकना मीन्स ऐसा नहीं कि हम दुर्बल है, झुकना मीन्स हम सभी को साथ लेके हम एक भातृत्वपूर्ण जो है समन्वय भाव से हम सभी को लेके जा सकते हैं, यही भारत है। इसी भारत को हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे, यहाँ हल्ला ना हो, यहाँ कोई धर्म के नाम पे कोई भी गाली गलास ना हो। अगर देखो आप मुझे गाली दोगे तो मुझे भी गाली देना ही होगा, वो है, क्योंकि आध्यात्मिक बनना और संस्कारी बनना ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम ने दिखाया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने दिखाया है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, मना रहे हैं, तो ये हमें मानना है कि हम सब कुछ सोर सार सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने से हम शस्त्र भी ले सकते हैं, तो ये भारत है। तो भारत के नाम के साथ हम लोगों का जो पूरा जीवन शैली, पूरा जो गुरु है, विश्व गुरु जो है, आसाम से महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने भी भारत का वंदना बहुत बहुत बार किया हुआ है। पूरा भारत में जितना भी संत महंत हुए हैं उन लोगों ने इतना भारत का वंदना नहीं किया होगा, आसाम से महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने जितना भारत वंदना किया है। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ आसाम से होते हुए, एक आसामीज होते हुए, एक हिंदू होते हुए, इस भारत का नाम, इस देश का नाम भारत है और भारत रहना चाहिए, ऑफिशियली इन फुल प्रूफ भारत होना चाहिए, ये मुझे मानना है, क्योंकि मैं आसाम से हूँ और मैं आसामी हूँ और मैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी को मानता हूँ। ठीक है, ठीक है।
इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, वो तो बाद में जोड़ा गया, तो क्या जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा वहाँ संविधान में, क्या उन लोगों ने संविधान का अपमान किया क्या? और बाला साहब सिर्फ एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बाला साहब अम्बेडकर साहब को दो बार कांग्रेस ने हराया और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके लिए प्रचार किया था उनके अगेंस्ट में, और हिंदू कोड के ऊपर में उनका मतभेद था और उसीलिए उन्होंने उस सरकार से इस्तीफा दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में आपने जो कहा वो गलत नहीं, आपने तथ्यों को रखा लेकिन कुछ तोड़ मरोड़ करके तथ्यों को रखा, तो इसीलिए मैंने भी उसमें कुछ बातें उसमें ऐड कर दी। जी ठीक है, प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक पे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम भारत की, और इसको लेकर इतना विरोध क्यों, इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों। प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास हमसे जुड़े हुए हैं, नेहू के प्रोफेसर हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, जो आपत्ति है क्या ये आपत्ति होनी चाहिए थी, या फिर भारत और इंडिया नाम तो एक ही है? नहीं, क्वेश्चन इसमें है कि हमारे संविधान में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया और भारत समार्थक है, एक को छोड़ के दूसरा एक हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इन लोगों ने, कोई कोई लोगों ने यहाँ पे बहुत सम्मान के समेत नेताजी सुभाष चंद्र बसु का नाम लिए है, राजबिहारी बसु और सुभाष चंद्र बसु मिलके इंडियन नेशनल आर्मी तैयार किए थे, इनका नाम ट्रांसलेशन करके बोले थे आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। जब स्वाधीन और स्वराज द्वीप में भारत की, इंडिया की पताका इन लोगों ने उठाए थे आजाद हिंद फौज ने, तब भी इंडिया लिखा था वो पताका के अंदर। तो देखिए, हमारे आजादी के संग्राम के साथ इंडिया शब्द पूरा जुड़े हुए है। क्यों जुड़े हुए है कि इंडिया शब्द कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, इंडिया शब्द इंडस जो एक ईरानियन शब्द है जिससे सिंधु इंदास ये दोनों शब्द जुड़ गया था, सिंधु नदी का उस साइड में इंदास है, ये ग्रीक लिटरेचर में भी है, लैटिन लिटरेचर में भी है, रोमन में भी है। तो ये नाम हमारे अंदर आए हैं क्योंकि वहीं से बहुत लोग भारत में आए हैं, आके अपने को सेटल किए हैं, भारतीय बनाए हैं, तो इसलिए इंडास शब्द, इंडिया शब्द हमारे लिए कोई विदेशी शब्द नहीं है। और दूसरा बात मैं ये भी कहूंगा कि अभी हमारे, देखिए बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन का नाम देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे मैं अध्यापना किया हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम यदि अभी भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम कर देते हैं तो सिलिकॉन वैली में हमारा जो ब्रांडिंग है, देखिए ब्रांडिंग पे एक असर आता है। तो हम भारतीय है, हम इंडियन प्रोफेसर है, इसको लेके तो कोई तर्क का कोई संभावना अभी इस समय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या इंडिया लगता को है कितना संभव है, क्योंकि संविधान में संशोधन करना होगा। जी प्रोफेसर, दैट इज भारत, ये दोनों एक साथ कोलैटरल कॉनकॉमिटेंट शब्दावली है, दोनों को एक साथ हमारे संविधान में, हमारे बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि शिक्षण संस्थान का जो है वो इंडिया नाम से है, हमारे आजादी का संग्राम का जो फल है जिससे हम इंडिया बोल के कंट्री को पैदा किया है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया शब्द का भी विरोधिता किया था, क्यों किया था, इन्होंने एक सक्सेसर स्टेट पाकिस्तान बनाने का कोशिश किया था। तो हमारे भारतीय आजादी का साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं सभी लोग यूनानिमसली भारत का नाम इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इस शब्द को स्वीकार किया था, तो इसके ऊपर कोई तर्क होना ही नहीं चाहिए, और इंडिया और भारत को अलग करना बिल्कुल उचित काम नहीं है, दोनों एक साथ हमारे साथ चलना चाहिए, ये हमारे खून के अंदर अभी बहुत दिनों से प्रवाहित होके चल रहा है, इसको क्यों मैं अलग करें, इसका कोई कारण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों इसको इंडिया शब्द को हटाना है, यही मेरा कहने का है। जी रमन झा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया, सेकुलर वर्ड उसमें जोड़ा, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी, अब मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे में इतना विरोध क्यों हो रहा है, घुमा फिरा के वही बात मैं जानना चाहती हूँ कि विरोध इतना क्यों हो रहा है अब मोदी जी जब कर रहे हैं तो। मोदी जी अगर भारत के लोगों में, देखिए संविधान में पहले भी था, भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत की भूमि पर जाति धर्म भाषा रंग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, ये भारत का संविधान कहता है। तो जब भारत का संविधान यह कहता है तो
इस पर आज के दिन में देश में क्या परिस्थिति है। आज धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे रोया जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री यह कहकर रोने लगे कि मैं तो ओबीसी हूँ, मुझे गाली दे रहा है, तो देश को जाति के नाम पर विभक्त करना, जबकि संविधान इस चीज के लिए मना करता है, धर्म के नाम पे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना या शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई हैं उनको प्रताड़ित करना, एसटी वालों को, भाइयों को प्रताड़ित करना, आज देख लीजिए ना मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग एसटी हैं या ओबीसी हैं, इसलिए उनको हिंदू भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, तो उन्हें जलता हुआ छोड़ दिया गया। न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे थे, न गृह मंत्री गए और चाणक्य गए और आ गए और उन्होंने मणिपुर को शांति के लिए, मणिपुर के शांति के लिए कुछ भी नहीं किया। तो भारत के संविधान में जब विकास के लिए कुछ काम करना हो, भारत के संविधान में भाईचारे के लिए अगर कुछ करना हो तो संशोधन करें, लेकिन भारत में अगर आप विभाजन के लिए संशोधन कर रहे हैं तो ये गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। आप कह रहे हैं इंडिया, अरे भाई जब आप आज से कुछ दिन पहले ही जब चांद पे चंद्रयान गया था और मंगल पर ग्रह पे मंगलयान गया था, तो इसकी जो श्रेय जाता है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या करेंगे आप उसके नाम का? उस दिन तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे इंडिया शब्द का, पहला नाम इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन रमन जी, विभाजन की बात आ ही कहां से, कहां जो बात चल रही है, जो कयास है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। आधिकारिक घोषणा नहीं, आपके लक्षण तो ये दिख रहे हैं। देखिए, होनहार बीरवान के होते चिकने पाप के साथ साथ कहावत के पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इन्होंने सत्र बुलाया, सत्र के लिए क्या उसका रीजन क्या है, क्यों सत्र बुला रहे हैं, इसका कोई उन्होंने विरोधियों को, विपक्षी दलों को जानकारी नहीं दी है। दूसरा चीज है कि ये इससे पहले जो आज तक भारत के राष्ट्रपति और रिपब्लिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द जो लिखा जा रहा था वहाँ, ये देखिए आपने, इन्होंने लिखित रूप से प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये विरोध तो हमारा यहाँ है कि आप प्रचलन के लिए, अगर आपको, आप उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता, भाई साहब आज से पहले गुलामों की मानसिकता आपको नहीं दिख रही थी? जब विदेशों में हमारे लोग झंडा ले रहे थे, इंडिया का गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, खेलो इंडिया का नारा लगाते थे, तब आपको गुलामी की मानसिकता नहीं दिख रही थी? इस देश में आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। आपने 9.5 साल में क्या किया? आप पहले, सबसे पहले इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा देते, आपने हटाया क्या? हटा के तो देखिए दक्षिण भारत में इसका विरोध शुरू हो जाएगा। तो आप अगर, हाँ, और मैंने किसी भी चीज़ को भाषा और धर्म के नाम पे अगर बदलाव चाहते हैं, देश में बिखराव चाहते हैं, तो इस तरह के कार्य कर रही है बीजेपी। इसका एक कारण है, क्योंकि बीजेपी आज कहीं भी मुद्दे पे लड़ नहीं पा रही है। वो आज पिछले 6 साल में 77 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, महंगाई चरम पे है, चीन सीमा को दखल करते जा रहा है, तो ये ना तो बेरोजगारी पे बोलते हैं, देश में कानून व्यवस्था ना ये मणिपुर पे बोलते हैं ना ये जी, ठीक है ठीक है, प्रमोद स्वामी जी की भी प्रतिक्रिया लेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, बताइए आप। और ना ये हरियाणा पे बोल रहे हैं, तो देश में जिस तरह की परिस्थिति आज है, हम तो ये प्रचल इसका विरोध कर रहे हैं, प्रचलन का विरोध कर रहे हैं। भारत माँ से किसे नफरत हो सकता है? भारत तो हमारी माँ है, हम इसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और इंडिया, जहाँ विकास की बात आती है तो इंडिया हमारे लिए, तो जहाँ समर्पण और सम्मान की बात है हम भारत को आगे लाते हैं, और जहाँ विकास और आधुनिक भारत की बात होती है हम इंडिया को लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। इंडिया बनाम भारत क्यों, विरोध क्यों, इस पर आज चर्चा हम कर रहे हैं। मैं रुक करूंगी प्रमोद स्वामी जी का। ब्रेक में जाने से पहले रमन झा जी का एक बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया भारत इस तरह एक विभाजन की एक नीति भाजपा कर रही है। साथ ही उन्होंने, इंडिया गठबंधन इस बात से भी खफा है, इस बात से भी वो नाराज है कि जो स्पेशल सत्र, जो सेशन बुलाया गया है, उसका एजेंडा क्लियर नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर भारत बोलने से विभाजन की बात होती है तो ये मानसिकता मेरी समझ से तो परे है। भारत शब्द अगर वहाँ आता है तो विभाजन कैसे हो रहा है, ये एक नंबर बात। अब इनको अगर भारत शब्द अगर वहाँ जिक्र किया गया है, जिसका आज से नहीं हजारों वर्षों से जिस शब्द का जिक्र हो रहा है, वो शब्द अगर विभाजन लेकर के आता है तो इस ये मानसिकता के ऊपर में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, ये हमारा जो संविधान है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मैंने पहले भी कहा कि इस संविधान में संशोधन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि संशोधन ये कोई पहली बार हुआ है। सेक्युलरिज्म वर्ड भी पहले नहीं था, बाद में इसको, सेक्युलरिज्म वर्ड को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को उसमें संविधान में डाला गया।
तो ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं हुआ, पहले जो था वैसा ही रहेगा। अगर देश में देश की जनता चाहती है और देश की जो संसद चाहती है, क्योंकि कोई भी कानून जो है देश की संसद को किसी भी कानून को बनाने का अधिकार है, क्योंकि देश की जनता एक मेजोरिटी से सरकार देती है, वहाँ राज्यसभा लोकसभा में कोई भी बिल आता है और गणतांत्रिक रूप से उसको पास होकर करके अगर कोई संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो उसका संसद को अधिकार है। हाँ, विपक्ष को अपनी राय देने का या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, किसी भी संस्था को अपनी राय रखने का पूर्ण अधिकार है, तो इसमें विभाजन की बात नहीं आती। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और हम अगर हम अपनी इतिहास पर अपनी विरासत के ऊपर में और अपनी जो हमारी जो धरोहर है, पौराणिक धरोहर है, उसके ऊपर में, और भारत शब्द का जिक्र तो ऋग्वेद में भी किया है, वेदों में भी किया हुआ है, उस शब्द को अगर वहाँ हम कहते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने बात को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ये मणिपुर पे ले गए, तो मणिपुर में वहाँ मेतई समाज और के बीच में और अन्य समाज के बीच में जो एक जो टसल चल रही है वो ओबीसी के स्टेटस को लेकर करके है, और वो कोई समस्या आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी समस्या है, और उस समस्या का समाधान आपने नहीं किया, आप तो इतने दिन थे, तो अब उसको बातचीत के द्वारा दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर करके उस समस्या के समाधान के ऊपर में भी सरकार प्रयास करी है, और इस विषय के ऊपर में लोकसभा में राज्यसभा में लंबी एक डिबेट हुई है, और आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हो रही है, आपके सकारात्मक सुझाव आपके नेता रखे सदन में, उसके ऊपर में भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी, लेकिन सिर्फ सरकार की समालोचना करना, और सरकार की समालोचना करने के भी लिए आप स्वतंत्र है, जहां अगर आपको लगे कि सरकार सही रूप से काम नहीं कर रही है, वहां विरोधी का यह कर्तव्य है, विरोधी दलों का यह कर्तव्य है कि वो सरकार को आईना दिखाए। लेकिन मैं यहाँ मेरे मित्र रमन जी से पूछना चाहूंगा कि भैया ठीक है, आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का कर रहे हैं, करिए, बीजेपी मोदी जी का विरोध करते करते सनातन का विरोध क्यों करने लग गए? सनातन आपका एक अलायंस पार्टनर है, आज जिस तरह से डेंगू बता रहा है, जिस तरह से कोरोना बता रहा है, जिस तरह से मलेरिया बता रहा है, मच्छर बता रहा है, और बोलता है जिस तरह से डेंगू को, कोरोना को, मच्छर को खत्म किया, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, और आपके नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। तो इस तरह की बातें जो है, किसी भी धर्म को खत्म करने की बातें हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इस तरह की कोई बातें करेगा उसको हम अपने लाइन से बाहर करते हैं। आपने आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट 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 से संगठन बनाया है, क्या आपकी नीतियां यही है? सनातन को गाली देना ही आपकी नीति है, तो फिर आपको मुबारक हो, आपकी नीति, आप अपनी तुष्टिकरण की नीति पर, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण की नीति को आप अपना करके आप जो काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, आपको मुबारक हो। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक समाज अब जाग चुका है, वो सनातन के ऊपर में आक्रमण विश्वास नहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी के ऊपर में आप आक्रमण करिए, आप बीजेपी के ऊपर में आक्रमण करिए, आपको अधिकार है, लेकिन आप सनातन के ऊपर में जो बार बार अंगली उठाते हैं, कभी आपके नेता सनातन की तुलना बोको हरम और आईएसएस से करते हैं, आपके खड़गे साहब कहते हैं कि अगर मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। अरे इसके पहले हमारे भाई साहब ने बात कहा कि सनातन जो है तो है, ये तो 5000 50000 60-70000 से जिसका न कोई आदि है न जिसका न कोई अंत है, वो सनातन है, जो अनंत है सनातन, अनादि है सनातन। तो उस सनातन को मोदी से क्या लिंक है? मोदी आएगा तो सनातन क्या? इसके पहले मोदी नहीं था तब सनातन नहीं था। तो ऐसी बचकानी हाथ हर बातें जब आप कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बोलता है, अगर रमन जी भी ऐसी बातें बोले तो मैं एक मिनट के इसको कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खड़गे साहब जब भी ऐसी बात बोलते हैं कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मंत्र और कुछ नहीं हो सकता। प्रमोद स्वामी, ठीक है, ठीक है, जी रमन जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत सबसे विभाजन, तो मैं इनसे इन्हें चुनौतीपूर्ण कहता हूँ कि देख ले पिछले रिकॉर्ड जाके, बाद में भी देख लेंगे आपका जब रिपीट होता है टेलीकास्ट में। मैंने कहीं नहीं कहा कि भारत सबसे विभाजन का मतलब निकलता है, मैंने कहा कि भारत का मतलब ही समर्पण है। जब हम भारत का नाम लेते हैं तो हम अपने आप, हमारा मन समर्पित हो जाता है हमारे राष्ट्र के प्रति। मैंने कहा कि लोग, और इंडिया का मतलब है मॉडर्न इंडिया, लेकिन ये लोग खुद भारत और इंडिया के बीच में एक विभाजन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि संविधान कहता है इंडिया ही भारत है। एक मुझे इस पर इनको साफ शब्दों से कहता हूँ कि इस तरह के गलत बयान होते हैं, मैंने नहीं कहा। दूसरी चीज़ उन्होंने सनातन धर्म में कहा,
सनातन धर्म, ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सनातन धर्म वो धर्म है जिसके ऊपर जब वो गए थे तो उसके ऊपर आपके अन्य धर्म सभी धर्म का आधार ही सनातन धर्म है। यह वही धर्म है जहाँ चींटी से लेकर हाथी तक और नदी से लेकर पहाड़ तक, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक सबको भगवान माना गया है, सबका पूजा होता है। आज लेकिन एक चीज़ है कि भारतवर्ष में द्रविड़ और आर्य के बीच में एक संघर्ष रहा है और ये पुराना संघर्ष है कई बार, और आप इसका नतीजे देखेंगे भी कि जब समाज के हिसाब से भगवान के रंग भी बदले हैं। आप चले जाइए उत्तर भारत, दक्षिण भारत में, वहाँ देखेंगे राम और सीता का जो मूर्ति है वो आपको काले पत्थर से बना हुआ मिलेगा। वहीं आप जब दक्षिण भारत की तरफ आएंगे तो राम और सीता की मूर्ति आपको सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति से या सफ़ेद रंग से या कलरफुल मिलेगा। ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन जो हाल ही में जो बयान आया है, तो सनातन धर्म जो बयान आया है उसे गोद करते हैं। बयान में आपकी क्या राय है मैं वो पूछ रहा हूँ, बाकी सही है आपकी बातें। मैं दीपांकर कलिता जी से भी सनातन धर्म का कहीं कोई विरोध नहीं करता है, हम भी सनातन धर्मी है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो अलग चीज है। धर्म आस्था है, धर्म के आधार पर देश नहीं चलता, देश संविधान से चलेगा, पहले तो मैं ये जो उदयनिधि स्टालिन की बात कर रहे हैं इसके बारे में मैं बता दूं, ये आज की बात नहीं है, इनके दादाजी थे करुणानिधि, वो 1907 से ही जब से द्रविड़ राजनीति की शुरुआत करुणानिधि ने की है तब से उन्होंने हिंदी की विरोध की है, उन्होंने तब से हिंदी भाषा का विरोध किया, हिंदुत्व का विरोध किया, करुणानिधि ने किया, जो स्टालिन जो उदयनिधि स्टालिन है उनके दादाजी थे। तो ये जो उनकी परंपरा है ये राजनीति अब की नहीं, जबकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये करुणानिधि के लोग खुद उनके खुद के साले मोरासोली मरान उनके सरकार में मंत्री थे, टीआर बालू भी अटल बिहारी वाजपेयी के राइट हैंड हुआ करते थे, ये सब द्रविड़ राजनीति से आए लोग थे। वो तमिलनाडु के अंदर हिंदू विरोधी बात बोलते हैं लेकिन दिल्ली आते ही वहां सरकार में शामिल हो जाते हैं, ये उनकी राजनीति है, ये द्रविड़ों की राजनीति है। अभी उन्होंने कहा कि हमारे देश में पहले से ही आर्यों और द्रविड़ों के बीच एक संघर्ष रहा है और उसी को लेके, जैसे हमारे असम में आंसू कहते हैं कि दिल्ली हमें हमेशा से नजरअंदाज करती है, उसी तरह से द्रविड़ मुनेत्र कझगम जो है डीएमके पार्टी जो है हमेशा तमिलनाडु के अंदर कहती है कि हिंदुओं का विरोध करो, ये उनकी राजनीति की परिभाषा है, लेकिन इसका कोई नाता हमारे विरोधी गठबंधन से नहीं है, ये बात मैंने पहले क्लियर कर दिया। दूसरी बात जो है ये नहीं है कि भारत सब नया ये सरकार ला रही है, भारत सब तो हमेशा से है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम चेंज करके उसको बदल के प्रयागराज किया, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जो एक शहर का नाम बदलने से 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया, अभी हमारे पूरे देश का नाम जो बदलेंगे, हमारे पासपोर्ट बदलेंगे, नोट बदलेंगे, जो हमारे आईआईटी आईआईएम इनके नाम बदलेंगे, इनसे तो करोड़ों 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 रुपये का खर्चा होगा। अभी जो सरकार कह रही है कि एक देश एक चुनाव, वो क्यों कर रही है कि इससे देश का पैसा बसेगा, लेकिन जो पैसा बसेगा उससे ज्यादा पैसा देश का नाम बदलने में खर्चा हो जाएगा, ये सब दोहरी मापदंड वाली बातें हैं। तो हम कहते हैं कि इसको मुद्दे से भटकाने का प्रयास है, ये कर नहीं सकते क्योंकि दो तिहाई बहुमत किसी के पास है नहीं, तो है नहीं तो ये क्यों कर रहे हैं कि चुनाव से पहले जो लोगों का मुद्दा है बिजली पानी सड़क और लोगों का जो स्वास्थ्य शिक्षा और जो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, बात हो रही थी ये सब बातें इंडिया बनाम भारत की, जनता को ठीक है इस बातों से नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो जनता है उसको अपने मुद्दों पे अरे रहना चाहिए कि सरकार से पूछिए ये 2 करोड़ रोजगार जो देने वाले थे ये क्यों नहीं दिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर अगर जनता अरी रही तो ये सब सारे मुद्दे अपने आप गायब हो जाएंगे। बातचीत जारी रखते हैं लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं। आज बात हो रही है इंडिया बनाम भारत की, आखिर ये परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई, क्यों विरोध हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की भी प्रतिक्रिया इस बीच सामने आई है, उन्होंने कहा कि एक समय इस ये बात उठी थी लेकिन तभी भाजपा ने विरोध किया था। प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। 2015 एगारी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में केस कर इंडिया नाम तो नागे बोलिए मोदी डांगरिया बीजेपी सरकार एफिडेविट दी যে নামটো থাকিব লাগে, এতিয়া থাকিব নালাগে বুলি কেতিয়া ক'লে, যেতিয়া 26টা বিৰোধী দলৰ এলায়েন্সটোৰ নাম ইণ্ডিয়া দিয়া হ'ল, যেতিয়া 26টা বিৰোধী দলৰ যিটো বেনাৰ, বেনাৰখনৰ নামটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিল আনিম বুলি কৈছে, আনিলে আনিব,
আমি তো ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য ধন্য ভারত বুড়িষে বলে আমার শঙ্করদেবে কীর্তনল লিখা আছে। আমি তো কয়ে আছো যে ভারতে যুঁজিব ইন্ডিয়া জিকিব, এটা যদি কালে ইন্ডিয়া না থাকে আমি কম ভারতে যুঁজিব ভারত জিকিব। भारत वर्सेस इंडिया की बहस के बीच अक्षय कुमार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू का नाम बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया है। नाम में हुआ ये बड़ा बदलाव उस वक्त किया गया है जब पूरे देश में भारत बनाम इंडिया की बहस हो रही है। इसके पहले अमिताभ बच्चन भी सोशल मीडिया पर भारत माता की जय लिखकर अपनी राय दे चुके हैं, तो समर्थन नजर आ रहा है। बॉलीवुड में भी तमाम जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसी के बीच समर्थन भी देखा जा रहा है इस बात का। भारत बनाम जो मुद्दा इस वक्त गहराया हुआ है। प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास का मैं रुख करूंगी। संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया डेट इज़ भारत लिखा हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये दोनों नाम कैसे आए और अब जिस तरह की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुआ है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनैनिमसली देश का नाम इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारे राष्ट्र शुरू होता है 1947 से। 1948 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ है जहां से हमारे देश का अस्तित्व तैयार होता है। देखिए, उसी का पहले सत्र में ये बात आया है कि इंडिया देश का नाम क्या होगा, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है। डिबेट में यूनैनिमस पोजीशन रहा इंडिया दैट इज भारत। अभी देश का नाम परिवर्तन करने जैसा एक इतना बड़ा चीज इस समय करना, ये कितना हमारे लिए अच्छा होगा कितना बुराई होगा वो हमको सोचना है। इंडिया नाम पे ऑब्जेक्शन क्यों होगा? कोई ऑब्जेक्शन रहने का ग्राउंड है इसमें? इंडिया नाम हमारे भारतीय भाषा, इंडियन संस्कृति, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का वेरी पूरा अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया भारत में समर्थकता, ये दोनों नाम एक साथ जो जा रहा था इतने सालों से, इतने समय से, भारत स्वाधीन होने के बाद से, आजादी के बाद से, इसमें अभी उसमें ऑब्जेक्शन का क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड नहीं है। ये एक इमोशनल राजनीतिक ग्राउंड पे ये सब किया जा रहा है। अभी राजनीति दूसरा चीज है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ राजनीति के ऊपर, लेकिन मैं हिस्ट्री और कल्चर के तौर से बात को देखो जो दीप, तब ये दिखाई पड़ता है कि हमारे इंडिया नाम का एक सांस्कृतिक मूलधार मूल्य है, अभी भी है, और सांस्कृतिक रूट इसका एक है, ये हमारे संस्कृति में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए संस्कृति को हम तो चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ना, हमारे इतिहास को भी हम अप्रूव नहीं कर सकते हैं। यदि हम हमारे अपने इतिहास संस्कृति को अप्रूव नहीं करना चाहते हैं, तब इंडिया भारत दोनों हमको रखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम लेफ्ट हैंड लेकिन प्रसन्नजीत जी, अगर संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन करना हो तो चुनौतियां किस तरह की होगी, क्या यह संभव है? संविधान का संशोधन प्रीएम्बल में नहीं करना चाहिए, संविधान का संशोधन का एक पर्पस होता है जहाँ पे कोई हमारे आठ सौ सांस्कृतिक राजनीतिक मुद्दा है वहाँ पे आप संशोधन कीजिए, देश का नाम को संशोधन करने का क्या है? ठीक है, वैचारिक प्रश्न है। विश्वास जी की बात के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि विश्वास जी ने कहा कि देश का भविष्य जो है 1947 से शुरू होता है, ये इनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का भविष्य 1947 से शुरू नहीं होता है, ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति है। और मुगलों ने इस देश पे आक्रमण किया, उसके बाद अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने जो हमारे मंदिर थे, हमारे जो पूजा स्थल थे, उनको तोड़ कर करके वहाँ अपनी तानाशाही का उन्होंने उदाहरण देकर करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया। तो ये हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, लेकिन जो वामपंथियों ने जो इतिहास लिखा और कांग्रेस ने जिस इतिहास का समर्थन किया वो इन्होंने ठीक ही किया, कहा वो इतिहास 1947 से शुरू होता है, लेकिन भारत का जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पुराना है, वो 1947 से शुरू नहीं होता है। सत्यरंजन का रुख करूंगी मैं, प्राचीन वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। इतिहास में मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन देश शुरू होता है संविधान जब से शुरू होता है तब से। ठीक है, संविधान में सर संशोधन हुए हैं ना, संविधान सेक्युलरिज्म पर आपने कैसे डाल दिया, तब तो डाला ना,
तो देश की संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अब ये देश की संसद तय करेगी कि उसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है, उसमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप अपना विचार रख सकते हैं। अभी देखिए, मुझे जो लग रहा है, ये जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस मानसिकता का डिफरेंस मुझे लग रहा है। अभी रमन झा जी ने थोड़ा देर पहले कहा था कि जब हम आस्था का बात आता है, समर्पण का वो रेफरेंस लेते हैं, तो भारत का नाम हमें आता है दिमाग पे, दिलो दिमाग पे, और जब अब डेवलपमेंट की, विकास की बात आते हैं, तब हम इंडिया नाम लेते हैं। तो मैं ये मानसिकता का जो मुझे गैप दिखाई दिया यहाँ पे, मैं वहाँ पे बोलूँगा, पॉलिटिकल विषय जो बहुत है वहाँ पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो मानसिकता का डिफरेंस आप देखो, भारत के नाम के साथ मॉडर्नाइजेशन नहीं है और इंडिया के साथ मॉडर्नाइजेशन है, ये पूरा सिस्टम ही अलग है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखिए, भारत के साथ के कई नाम रहे हैं, नहीं देखिए, भारत को लेकर हमेशा जो ये नाम है, जो उसको लेकर मतभेद धारणाएं काफी रही है। ये बोल रहा हूँ मैं, उस पर देखिए, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत सबके साथ जो हम लोग का मानसिकता है, कांग्रेस का हो, भले ही किसी का हो, पोलिटिकल पार्टी का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, मानसिकता जो है डिफरेंट जो है, साइंस कहाँ पे है भारत के साथ, मॉडर्न कहाँ पे है, मॉडर्नाइजेशन कहाँ पे है भारत के साथ, मैं ये एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे सुनिएगा आप। लेकिन इसीलिए बोला मैंने क्योंकि इसने कहा ना कि मॉडर्नाइजेशन जब हुआ विकसित भारत के लिए इंडिया सब सही है, और पौराणिक वो सब आस्था के लिए भारत का नाम, ये गलत है, ये सोचना भी गलत है। क्योंकि विज्ञान ने कहा है, साइंस ने कहा है, क्या कहा है साइंस ने, कि जीवों का सृष्टि कहाँ पे हुआ, जल पे हुआ। हम जो विष्णु पुराण है, विष्णु का पहला अवतार क्या है, जल में होता है, वो क्या है, मछली है। फिर साइंस ने कहा, डार्विन थ्योरी अगर आप देखोगे, वहाँ पे कहा कि उसके बाद जल और मिट्टी दोनों पे जो चल सके, ऐसा हुआ है, विष्णु का द्वितीय अवतार है कछुआ, आप देख सकते हो। ये साइंस जो है ये सनातन हिंदू धर्म में है, और आप जो बोल रहे हो ना डेवलपमेंट इंडिया के साथ है, ये डेवलपमेंट की पीछे भागते भागते क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, पूरा डिफॉरेस्टेशन हो गया है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जो जो नहीं सुना था वो भी हो गया है। लेकिन अभी भारत के साथ जो है ना, हम शान सूरज जो भी है, पोर पेड़ा सबको हम पूछते हैं, ये साइंस है। आप अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आप मर जाओगे, फिर आप पैर काट रहे हो, ऑक्सीजन के हिसाब से कोरोना हो गया, दिखा दिया ऑक्सीजन के महत्व कितना है। लेकिन भारत के साथ इतना साइंस है कि प्राणायाम करना सिखा दिया, कि जो साइंस है ऑक्सीजन है, ये साइंस आपके अंदर है। इंडिया के सबके साथ मॉडर्नाइजेशन मीन्स इंडिया नहीं है, भारत के साथ पूरा मॉडर्न, पूरा साइंस से आप देखोगे। ओपेनहाइमर जिसने एटम बम की आविष्कार किया, उसी ने कहा था 1935 में वाशिंगटन डीसी में, उसने क्या कहा था कि मैंने एटम बम बनाया। ही रेफर्ड 13 चैप्टर ऑफ गीता उसने रेफर किया उस टाइम पे, कि मैंने महाभारत से ये एटम बम बनाने का ये लिया है, दिस इज व्हाट सनातन इज। और अब मैं बोला, आप टीवी पे दिखा रहे हो, सीसीटीवी कैमरा जो है, मैं बोलता हूँ उसका जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो महाभारत में है। आप पूछोगे आप कहाँ है, जो बारबारिक जो कैरेक्टर है, शायद आपको पता नहीं है, पढ़ लीजिएगा महाभारत बारबारिक। एक सेकंड सुनिए, संजय के पास छोड़ो ना, मैं सीसीटीवी पे आ रहा हूँ जो अभी है। तो ये जो आपने कहा ना कि इंडिया मीन्स मॉडर्न है, भारत मीन्स पौराणिक है, ये नहीं है, ये आपका सोचना ही गलत है। ये बोल रहा हूँ, साइंस एंड सनातन सब एक है। हनुमान चालीसा में तो दिखा दिया है साहब, पृथ्वी से सूरज का दूरी कितना है वो दिखा है ना। तो आप ये मत बोलो कि इंडिया मीन्स मॉडर्न है, आप ठीक है, आप इंडिया होना है, भारत होना है, क्या होना है, पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, आप लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये बोलने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल बातें रखने के लिए भारत की धरोहर जो है, सनातन की जो साइंस है, उसको आप अंगूठा दिखाओगे, ये सही नहीं है। मैं इस पर बोल रहा हूँ, साइंस इज सनातन, सनातन को छोड़ के साइंस नहीं है। न्यूटन्स थ्योरी जो है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये सब सनातन से है, सब गीता से है, मैंने उस पर पूरा बुक लिखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, सनातन ही साइंस है, साइंस ही सनातन है, इंडिया मीन्स मॉडर्न ये गलत है, ये मानसिकता ही आपका गलत है। सबसे पहले बात मैंने कह दूँ कि प्रकृति ही सनातन है, उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति में हर जीव सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हर चीज की पूजा होती है। उन्होंने कहा साइंस की बात, जब सनातन धर्म का निर्माण का नहीं हुआ, सनातन तो अपने आप सृष्टि के निर्माण के साथ आया, सृष्टि का जब जन्म हुआ तभी से सनातन है, और सनातन धर्म किसी धर्म से निकल के नहीं आया है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सनातन
जब धर्म का निर्माण हुआ तो जब धर्म आया था उस समय भारत के समय से सनातन है तब मीन्स ये आप कैलकुलेट छोड़ दो सिस्ती जब से एक मिनट रुकिए आप सिस्ती जब से है तब से सनातन है और हम मानते क्या है सिस्ती जब हुआ था मोनु आया था पहला मानस मनु एक मिनट सुनो अरे अरे भाई साहब मनु तो बहुत बात का बात अरे सुनो आप बात तो सुनो पहले जब बोल रहा बात तो सुनो रमा जाजी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए देखो बात तो सुनो आप हल्ला करो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन मैं यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ बोल सकता था आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन है ना तो आप उस पर बात नहीं करेंगे उस पर नहीं आ रहे अभी जो है सनातन के साथ जो है सनातन आदि अंत नहीं है जो चल रहा है जब तक प्रकृति है तब तक सनातन है इसीलिए आप लोग कभी भी पॉलिटिकल बातें रखो आप रख सकते हो लेकिन सनातन के ऊपर आपको टिप्पणी नहीं करना है बस यही सनातन है बस यही मान के चलो आप यही मान के आप करो आप टिप्पणी से जोड़ रहे हैं सुनिए प्रकृति ही सनातन है दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने कहा जब सनातन धर्म के प्रचार के साथ भारत के कई नाम थे उससे पहले जम्बूद्वीप आर्यभट्ट सब नाम था भारत का बिल्कुल तो 500-700 साल पहले आया शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत ने जब अश्वमेध जब युद्ध किया था उस समय जब अफगानिस्तान से लेके नेपाल तिब्बत बर्मा भूटान सभी भारत था उसके बाद आज भारत विखंडित हुआ मुगलों के आक्रमण से ब्रिटिश जब आया भारत में तो भारत तो विखंडित था टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था भारत ब्रिटिश के टाइम में फिर भारत को संगठित करने का प्रयास किया गया फिर विभाजन के समय भारत का विभाजन हुआ तो ये जो बिखरे हुए भारत को पुनर्एकत्रित करके भारत जो आज हमारे पास आप बोल रहे हो ब्रिटिश ने भारत को एकत्रित के ऐसा बोल रहे हैं दीपांकर दीपांकर कलकाता कुछ कहना चाह रहे हैं भारत को एकत्रित के ऐसा बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं जी रमन झा अच्छा तो फिर समय की कमी है दीपांकर कलकाता को बुलाया अभी बात ही तो है वो देखिए लोगों को किसने बुलाया था मैंने पहले से ही बिखरे हुए भारत रमन झा जी ठीक है दीपांकर कलकाता अपनी रख पहले 1947 से जब संविधान बना उन्होंने कहा जब संविधान बना प्रोफेसर साहब ने कहा था कि संविधान बनने के बाद से भारत का जो एक भारत कैसे आगे बढ़ेगा भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा भारत की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी भारत कैसे एक उन्नति की तरफ जाएगा वो संविधान से हुआ मैं उसी पा रहा हूँ ये हमारा जो किसी धर्म ग्रंथ से भारत के विकासशीलता का जो नए भारत का जो विकासशीलता का है वो नहीं बना है अब सनातन धर्म हमारी आस्था है सनातन धर्म हमारी आस्था है हम अपने धर्म की पूजा करते हैं लेकिन एक बात याद रखिए जी 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 बहस का मुद्दा ये नहीं है जी बहस का मुद्दा नहीं है दूसरे धर्म का अपमान करना गलत है उन्होंने अपनी राय रखी है आपने अपनी राय रखी है दीपांकर कलकाता आप कहिए हाँ मैंने पहले ही एक बात बहुत क्लियर कर दी थी कि जो इंडिया नाम है ये भारत के सभ्यता से जुड़ी नहीं है यही बात सबसे बड़ा दुष्प्रचार है क्योंकि जो इंडिया नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है हरप्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी जो द्रविड़ों की सभ्यता थी उसी से जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया उसी से इंडिया नाम हुआ ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी 7000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे हरप्पा मोहनजोदड़ो में ये सभ्यता थी उसी से इंडिया नाम आया ये जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जो शब्द है ये भारत की सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है ये इनका दोहरा मापदंड है क्योंकि आर्यों की सभ्यता अलग है द्रविड़ों की सभ्यता अलग है इंडिया नाम द्रविड़ों की सभ्यता से जुड़ी हुई है क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन द्रविड़ों की सभ्यता थी तो लोगों में ये दुष्प्रसार गया है कि अभी देखिए इंडिया नाम होने के बाद ही नगा जो लोग थे वो आर्टिकल 371 के जरिए इंडिया के साथ शामिल हुए नगाओं का जो इस देश के साथ जुड़ा हुआ है वो इंडिया नाम के साथ है भारत नाम के साथ नहीं है आप एक लोग को मत दिखिए नगा हो मिजो हो ये सब जो लोग हैं इनको आर्टिकल के जरिए इंडिया के साथ शामिल किया गया था आर्टिकल 371 के जरिए नागालैंड को भारत के साथ शामिल किया गया ये लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं और इंडिया नाम नया नहीं है ये 7000 साल पुराना नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया का नाम आया है भारत का नाम 5700 साल पहले जब महाराज भरत के नाम से चंद्रवंशी महाराज भरत के नाम से आया है तो 1300 साल पुराने ये इंडिया का नाम है ये बहुत बड़ा दुष्प्रसार भाजपा के तरफ से किया गया है कि इंडिया नाम नया है इंडिया कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि इंडिया जो नाम है ये पारसी वर्ड है ईरान से ये ईरानी से आया है तो ये जो है ये सारी बातें गलत है इंडिया भी हमारा देश है भारत भी हमारा देश है देश के लोग भारत बोलते हैं बाहर के लोग इंडिया बोलते हैं यही शॉर्ट में सब शॉर्ट में प्रमोद स्वामी जी हमारे देश को बचाने का प्रचार और विभाजन की बातें मैं सख्त एतराज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं
यहाँ द्रविड़ द्रविड़ और आर्यों के बीच में कंफ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है। ये नहीं नहीं ये एकदम घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है। सब सनातन है, द्रविड़ भी सनातन है और आर्य भी सनातन है। जो इनका स्टेलिन का जो ब्याह हुआ है सनातन धर्म के साथ हुआ। आप रिकॉर्डिंग देखिए, आप कहाँ सनातन और आर्य का निकट दर्पण पैदा करने की बात कर रहे हैं? यही आपका विभाजन की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। माना जा रहा है कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कौन कर रहे हैं? राजनीति व्यवस्था है। आप दोहरे मापदंड बनाते हैं। टीवी स्टूडियो में एक बात बोलते हैं, हम किसी एक धर्म का नाम से बाकी सबको एक साथ कर नहीं सकते हैं। हमारे देश में अलग अलग पंथ है, अलग अलग मत है, अलग अलग धर्म है, सबका अलग अलग नाम है। हम एक नाम से सबको जोड़ देंगे ऐसा नहीं होता है। ऐसा नाम हम अभी तक आविष्कार कर नहीं पाए हैं। सनातन शब्द का अपना महत्व है, जैसे इस्लाम शब्द का अपना महत्व है, जैसा ईसाई शब्द का अपना महत्व है। सब धर्म का अलग अलग नोमेनक्लेचर, अलग अलग नाम है। इसको लेके हमको अभी धर्म धर्म का बीच फाइट लगाना कोई उचित काम नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं चाहूंगी कि सभी छोटे हैं और ये शो में समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे पैनलिस्ट।